हेलो एवरीवन, फूड विद ट्विस्ट में फिर से एक बार सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मोमोज और उसके साथ बनाऊंगी रेड चटनी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाती हूँ। तो मैं चटनी बनाने के लिए लूँगी थोड़े से लाल मिर्च जो सूखे हुए हैं, दो टमाटर, थोड़े से अदरक जिसको मैंने ग्रेट कर रखा है, थोड़े से लहसुन जिसको मैंने इसे बारीक बारीक काट रखा है। पहले मैं पानी को बॉईल करूंगी और मुझे टमाटर को बॉईल करना है इसको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि इसके छिलके आराम से इसे उतर जाए। और साथ में ही मैं इस लाल मिर्च को भी इस पानी में 5 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। पानी मेरा गर्म हो गया था, इसमें मैंने टमाटर और लाल मिर्च इसमें मैंने डाल दिया है बॉईल होने के लिए। अब हम इसे बॉईल करेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। तो ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से बॉईल हो गया। इसको देखो छिलके कितने अच्छे से निकल रहे हैं मेरे, और मिर्च भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो इस स्टेज में मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, उसे ठंडा होने का मैं वेट करूंगी। ये देखिए टमाटर और मिर्च मेरा ठंडा हो गया। अब मैं इसके छिलके आराम से निकाल लूँगी, काफ़ी आराम से इसके छिलके अब निकल जाएंगे आपके, और इसको एक फाइन पेस्ट में मैं पीस लूँगी। ये देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये कितना फाइन पेस्ट बनकर मेरा तैयार हुआ है। अब मैं इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगी। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसको मैं पहले गर्म कर लूँगी, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके मैं फिर इसे छौंका लगाऊंगी। ये देखिए पैन मेरा गर्म हो चुका है, इसे मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने इसमें, करीब 2 चम्मच के करीब लिया है मैंने। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें सारे लहसुन और अदरक जो मैंने ग्रेट करके रखा था वो मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए तेल मेरा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया, इसमें मैं डाल दूंगी ये लहसुन। लहसुन को मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा हल्का कलर जब आ जाए इसमें जब तक मुझे पकाना है। और इसके साथ ही मैं ग्रेटेड जो अदरक है मेरा वो मैं इसके साथ में मिला दूंगी और इसे मैं अच्छे से कर लूंगी मिक्स। देखिए मुझे इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। ये मेरा हो चुका है तैयार। अब मैं इसमें जो मैंने पेस्ट बनाकर रखा था वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। ये देखिए इस स्टेज पे मुझे मैं ये सारे पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको मैं 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। ये देखिए इसको मैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और इसमें इस स्टेज पे मैं इसे डाल दूंगी इसमें 1/2 टीस्पून शुगर। और स्वाद के अनुसार नमक। ये मैं अच्छे से कर ले रही हूँ मिक्स, और इसे ढक करके रख दूंगी जब तक इसका तेल इसमें से सेपरेट ना होने लगे। ये देखिए इसमें से ऑयल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो गया है मेरा, यानी मेरा चटनी बिल्कुल हो चुका है रेडी। देख रहे हो चटनी मेरा रेडी हो चुका है, इसको मैं साइड में रख दूंगी। ये देखिए अब मैं आटे को तैयार करने जा रही हूँ। इसमें मैंने लिया है 2 कटोरा मैदा, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। और मैं इसको नॉर्मल जैसे हम रोटी तैयार करते हैं उस तरह से इस आटे को हमें तैयार करके और रेस्ट में रख देना है, फिर मैं तैयारी करूँगी फिलिंग्स की। ये देखिए मैदे में मैं आप अपने अकॉर्डिंग इस मैदे को रेडी कर सकते हो। मैं जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरीके से हमें इस आटे को रेडी करना है। तो मैं इस आटे को रेडी करके फिर दिखाती हूँ कि मैं फिलिंग्स कैसे रेडी करूँगी।
ये देखिए आटा मैंने गूंद के रेडी कर लिया है। अब मैं बनाऊंगी फिलिंग्स, तो चलिए मैं दिखाती हूँ फिलिंग्स क्या वैसे बनाती हूँ। ये देखिए फिलिंग्स बनाने के लिए मैं ले रही हूँ लहसुन, जिसको मैंने बारीकी से काट लिया है। ये है मटर, जिसको मैंने क्रश कर रखा है। हरी मिर्च, इसको मैंने छोटे छोटे आकार में काट लिया है। शिमला मिर्च को मैंने छोटे आकार में काटा है। गाजर लिया है मैंने 2 से 3, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। यह है बंद गोभी कैबेज, जिसको मैंने इसे बिल्कुल फाइनली ग्रेट कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैं इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फिलिंग्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पैन को हीट कर लिया है। वहाँ से मैं यहाँ पे मैं डालूँगी 2 चम्मच ऑयल, और इसे मैं गर्म होने दूँगी। देखिए ज़्यादा इसमें, इस मोमोज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि ना इसे मुझे ऑयल ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और ना ही मुझे कोई बाहर से चीज़ें लेके आने की ज़रूरत है। ये मैं घर पे जो पड़ी चीज़ें हैं उन्हीं से मैं इस मोमोज़ को मैं तैयार कर सकती हूँ। ये देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका है। इसी स्टेज में मैं डाल दूँगी लहसुन, जो मैंने चॉप करके रख रखा था, और इसे अगेन मुझे इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको थोड़ा सा इसको ब्राउन होना है करना है मुझे, और उसके बाद में आगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स में डालूँगी। ये देखिए लहसुन मेरा पक चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं, ये देखिए लहसुन मेरा बिल्कुल पक चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं प्याज डाल दूंगी, जो मैंने ग्रेट करके रखा था, और कैबेज भी यहीं पे डाल दूंगी मैं। इसे भी मुझे अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से कर लो आप मिक्स। ये देखिए ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा मेरा कलर आ गया है। अब मैं बाकी भी वेजिटेबल्स में ऐड कर दूंगी, जो मैंने रखा था, शिमला मिर्च, गाजर, सब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और हरी मिर्च और मटर, जिसको मैंने क्रश करके रखा था। आप इसमें अपने मन पसंद सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें कौन सी सब्जियां ऐड करनी है। मेरे घर पे जो जो सब्जियां अवेलेबल थी वो सारी मैंने इसमें ऐड करी है। अब इसको मुझे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए ये मेरा फिलिंग्स हो चुका है रेडी, बिल्कुल फ्राई हो करके। अब यहाँ पर मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें नमक को मिक्स करूँगी, क्योंकि अगर इस स्टेज में नमक मिक्स कर दूँगी तो ये इसमें पूरा पानी छोड़ देगा। ये यहाँ डाल दूँ मैं थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। और मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए आटे से मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के रख ली है। इसको ज़्यादा आपको ना ही थिक रखना है ना ही ज़्यादा थिन रखना है। इसकी थिकनेस आप देख लो कितनी है, ऐसे ही आपको बना के रेडी रखना है इसे। ये देखिए अब मैं इसमें डालूँगी फिलिंग्स और दिखाती हूँ मैं आगे। देखिए ज़्यादा भी फिलिंग्स नहीं रखना है आपको, थोड़े थोड़े फिलिंग्स को डाल करके आप इस तरीके से इसको नाइट कर सकते हो। आप इसको मन चाहे आकार में भी बना सकते हो, चाहे मैंने जैसे बनाया वैसे भी आप बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे बनाना चाहते हो। और इसमें थोड़े थोड़े पानी लगाते हुए मैं इसे पैक करूँगी, ताकि ये स्टीम होने के टाइम पर ये ओपन ना हो जाए। ये देखिए ये मेरा बनके हो गया है तैयार। ये देखिए मैंने अपने मनपसंद आकार में इसे बना के तैयार कर लिया है सारे को, और अब मैं स्टीम के लिए तैयारी करूँगी।
अब देखिए मैं स्टीम करने की तैयारी कर रही हूँ। स्टीम करने के लिए मैंने एक भगोने में लिया है पानी, जिसको मैं गर्म करूँगी। इसे पूरा खौलाना है मुझे, और इस तरीके का जालीदार बर्तन लूँगी जिसमें मैं स्टीम करने वाली हूँ, और इसको इसके ऊपर मैं प्लेस करूँगी जिसमें मैं मोमोज को स्टीम करूँगी। अब देखिए पानी मेरा गर्म होकर तैयार हो गया है, पूरी तरह से पानी मेरा खौल चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इस पर अच्छे से ग्रीसिंग कर लूँगी। अच्छे से इसमें ऑयल लगाना है आपको, ताकि इसमें आपका एक भी मोमोज इसमें आपकी छिपके नहीं। तो मैं अच्छे से यहाँ पे ऑयल लगा लूँगी और सारे मोमोज को मैं रख दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए। ये देखिए मोमोज को आप इस तरीके से प्लेस करते जाइए, और दूर दूर में रखना है ताकि ये आपस में छिपके नहीं। इस तरीके से आप एक बल्ली से इसमें सबको रखते जाइए। इसमें आप थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल सकते हो ताकि ये चिपके ना। इस तरीके से, और इसको मीडियम फ्लेम पे आपको 10 से 12 मिनट तक आपको इसे स्टीम करना है। इसे कवर करके मैं 10 से 12 मिनट तक इसको स्टीम होने के लिए रखूंगी। ये देखिए ये मेरा हो चुका है बिल्कुल रेडी। ये बनने के बाद एक ही तरीका है चेक करने का, ये बिल्कुल आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये आप देख रहे हो फिलिंग्स आपको कैसे इस पे से नज़र आ रही है, इट मीन्स ये बिल्कुल पक चुका है। अब मैं करूँगी इसे सर्व। ये देखिए ये बन के हो गया तैयार, और मैंने इसे कर दिया है सर्व। इसे आप गर्मा गर्म ही सर्व करें, तभी इसे अच्छा स्वाद आएगा इसका। मेरी वीडियोस आप सबको कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।